आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप सभी को पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो बिहेवियर है कंडक्टेंस का, उसके लिए हम एक इक्वेशन की मदद लेंगे जो कि है डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है आपकी लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू रूट सी। इस इक्वेशन की मदद से हम ये देखेंगे कि मोलर जो कंडक्टेंस है वो किस तरह से बिहेव करती है विद कंसंट्रेशन। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको, इस इक्वेशन को मैं स्ट्रेट लाइन से अगर मैं कंपेयर करूं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है मेरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं जो कि यहां पे मैंने कर रखा है। तो देखिए y एक्सिस के अलोंग आपने लेना है लैम्डा एम सी। ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंसंट्रेशन है, सॉरी मोलर कंडक्टेंस है एट एनी कंसंट्रेशन c, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है आपने रूट सी, ओके। और जो इसका स्लोप होगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस ए। ए इज ए कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट विच आर यूज्ड। तो जब हमने ये ग्राफ प्लॉट करा तो इस तरह का ग्राफ आया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखिए, ठीक है। यहाँ नीचे की साइड को जब हम इधर को आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, या फिर आप कह सकते हो हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट, वाटर ऐड कर रहे हैं, जो भी सॉल्वेंट है इस केस में। तो आप ज़रा देखिए जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो ये देखिए ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब डाइल्यूशन करेंगे हम तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अब ये क्यों इंक्रीज हो रही, क्या रीज़न है इसका, देखिए आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्यों होते हैं फिक्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शुरू में ही अपने आयंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ इसमें। अगर मैं डाइल्यूशन करूँगा, वाटर ऐड करूँगा, तो ये जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, सीधी सी बात है। डाइल्यूशन करूँगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे एक दूसरे से तो इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और अगर वो कम हो जाएंगी तो आयन क्या कर पाएगा, फ्रीली मूव कर पाएगा, ठीक है। जितना फ्रीली मूव कर पाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टेंस होगी। अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, उसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, उससे ज़्यादा वो वैल्यू नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि देखिए आयंस की संख्या तो पहले ही कांस्टेंट है, ठीक है। कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था आयंस के बीच में। लेकिन ऐसी स्टेज भी तो आएगी जब इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो बिल्कुल कितना हो जाएगा, जीरो, ख़त्म हो जाएगा इंट्रैक्शन, तब ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे मूवमेंट के लिए। इनकी जो मूवमेंट होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी तो इनकी जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद चाहे आप इसमें कितनी ही डाइल्यूशन करते रहो, कितना ही वाटर डालते रहो, कितना ही सॉल्वेंट डालते रहो, तो इनकी कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुके हैं, ठीक है। तो जो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसी को बोलेंगे हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम डेनोट करते हैं लैम्डा नॉट से, ठीक है, लैम्डा नॉट। जहाँ भी ये वैल्यू दे रखे तो इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है आपकी
कंडक्टिव कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, जैसे ये आपका CH3COOH, डबल एरो लगेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग में एक सिंगल एरो लगेगा, ठीक है, CH3COOH और प्लस आपका H पॉजिटिव। तो जरा आप इसमें ग्राफ देखिए, ये ऊपर वाला तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है जो हमने पहले डिस्कस करा था, नीचे वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आप यहाँ पर देखिए, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें इंक्रीज ज़्यादा है, एकदम ऊपर की तरफ इंक्रीज है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में इतना इंक्रीज नहीं था, स्ट्रॉन्ग में धीरे धीरे इंक्रीज था। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में जितने आयन्स थे वो पहले ही बन चुके थे, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसमें हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब डाइल्यूशन करते हैं तो सोल्वेशन एनर्जी निकलती है जो कि सोल्यूट और सोलवेंट के इंट्रैक्शन से निकलती है, तो वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट का जो बॉन्ड है उसको क्या करने में, तोड़ने में, ठीक है। तो मोर द सोल्वेशन एनर्जी मोर विल बी द डिसोसिएशन। तो डाइल्यूशन जैसे करते रहोगे आप तो क्या होता रहेगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होता रहेगा, जिससे क्या होगा, एकदम मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, दोनों फैक्टर लग जाएंगे इसमें, एक तो आयंस तो क्या बोलते हैं बनेंगे ही, साथ में जो उनके बीच में इंट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर क्या करेंगे, मोलर कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन हम जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हमने मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा था, हम वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है कम्प्लीटली। मैक्सिमम वैल्यू तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, ठीक है। चलो हम मानते हैं कि भाई हम डाइल्यूशन करते रहे कि तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, मान लो सारे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, चलो मान लो, लेकिन इतनी ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगी कि जब आप उसकी कंडक्टिविटी नोट करने लगोगे उस टोटल वॉल्यूम में से, जब आप 1 cm³ वॉल्यूम लोगे तो इतनी कम कंडक्टिविटी आएगी कि जिसे मैं एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है आपकी इस इक्वेशन की, कि हम इस इक्वेशन की मदद से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम एक दूसरा ला करेंगे जिसके द्वारा हम जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं।